कैंट और शाहपुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 12 बाइक को बरामद करने में सफलता हासिल की, जिसमें कैंट पुलिस ने 25,000 का इनामी अपराधी सहित अंतर जनपदीय 2 वाहन चोर ऑटो लिफ्टर लुटेरों के पास से 7 चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार वाहन चोरों की पहचान राजकुमार उर्फ बग्गड़ पुत्र भोला निषाद निवासी महादेव झारखंडी कूड़ाघाट आवास विकास कॉलोनी के पास थाना कैंट, विवेक विश्वकर्मा पुत्र कमलेश विश्वकर्मा निवासी भैंसा बाजार भड़ियारी थाना सिकरीगंज, हाल मुकाम महादेव झारखंडी थाना कैंट विवेक चौहान उर्फ बिक्कू पुत्र विनोद चौहान निवासी बिलंदपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। इसके अलावा शाहपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में आफताब आलम उर्फ शेरू पुत्र शमसे आलम निवासी सरस्वतीपुरम थाना शाहपुर, रिंकू शेख उर्फ मोहम्मद सुहेल पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी बिछिया रामलीला मैदान तथा शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 3 सेट मोबाइल बरामद किया है। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। हमारे यहाँ 2 चोर मिले एक वांछित और ये 3 मोबाइल एक वांछित था और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वाहन चोरी की वारदातें जो हो रही थी उसके लिए लगातार टीम काम कर रही है। आपको पता होगा अवतार नाम से भी एक हमने डाटा सेंटर बनाया हुआ है एंटी व्हीकल थेफ्ट एंड रिकवरी करके, और साथ में जो COs की अलग अलग टीम्स हैं वो भी लगातार काम कर रही थी। उसी में ही कल भी आपने देखा हमें 6 गाड़ियाँ बरामद हुई, आज भी हमें 2 थानों में से जो है एक थाने में 7 एक थाने में 5 कोई 12 टू व्हीलर बरामद हुए, और इसमें बहुत सारे चोर पकड़े गए हैं। दो लोग जो है कैंट थाने में शाहपुर थाने में पकड़े गए हैं और कैंट थाने में भी 3 चोर पकड़े गए हैं जो मोटरसाइकिल लगातार चुरा रहे थे, और इससे काफ़ी रिलीफ होगा जो मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी, और अभी इनसे पूछताछ और भी बरामद हो सकते हैं। तो पिछले 24 घंटे के दौरान जो है हमने तकरीबन 18 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, और मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि वो जाकर के देखें, क्योंकि कई बार जो मोटरसाइकिल का इंजन नंबर 34 नंबर है वो घिस देते हैं, और नकली पेपर बनाने के चक्कर में इनको पहचानना फिर मुश्किल हो जाता है। और थानों में आप देखते हैं 2 व्हीलर्स बहुत सारी संख्या में खड़े हुए हैं। हम एक अभियान चला रहे हैं अभी आइडेंटिफिकेशन का, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि 100-200 मोटरसाइकिल जो हमारे पास अभी 6 महीने के दौरान जो बरामद हुई हैं उनको हम डिस्प्ले में लाएँ, जनता में आपसे आपके ज़रिए आपके सहयोग से प्रचार प्रसार करें, जिससे कि जिसकी है वो पहचान करे और ले जाए। कि बिल्कुल ये गिरोह बना करके काम कर रहे थे, इन पर और सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर एक आध जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं इसमें फास्ट ट्रैक की भी हम गुंजाइश करेंगे, जिससे 4-6 महीने में एक आध को सजा पड़े, क्योंकि नॉर्मल रूटीन कोर्स में तो बहुत टाइम लगता है। साथ ही इन पर गैंगस्टर और गुंडा की भी कार्रवाई करने में हम नहीं हिचकेंगे, जिससे जनता को रिलीफ मिले। ये अभी जांच का विषय है, फिलहाल तो अभी यहीं से बरामद हुई और कितनी चोरियाँ की हैं ये आगे बात आएगा, क्योंकि हमने जो डाटा सेंटर बनाया है वो इसी चीज़ को जाँच आगे को बढ़ाने, क्योंकि थाने में केस तो क्लोज हो जाता है और ये बाद में छूट करके फिर काम करने लगते हैं, तो एक निगरानी व्यवस्था बनाई है इन चोरों के लिए भी अलग से, और हमें उम्मीद है इससे चोरियों में लगाम आई है। हमें जो पहला का डाटा हम देख रहे हैं पिछले 4 साल के मुकाबले में जो पहली छमाई हमारी बीती है काफ़ी अच्छी रही है, और हमें पिछले साल के मुकाबले कम चोरियां हुई हैं, कम वाहन चोरियां हुई हैं, और मैं इन सब में आप सबका भी सहयोग चाहूँगा, आप लोगों के ये प्रचार प्रसार में सहयोग दें, इस तरह के चोरों का सबको पता होना चाहिए। सर कहाँ चुराते थे गाड़ी अक्सर? ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि आपको पता ही भीड़भाड़ के इलाकों में से जो कैंट थाने के जो है आपने देखा कि जो 2 व्हीलर्स हैं अधिकतर जो आपके ये गोलघर के आसपास कह लीजिए या सुनसान जगहों पर भी जो आप पीछे आपका रोड्स हैं विश्वविद्यालय के आजू बाजू रोड्स हैं रेलवे स्टेशन है कि कहीं कहीं से अलग अलग जगहों से एक जगह से नहीं उन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी बनाया हुआ है ये जहाँ भी पाते हैं हाथ साफ करने तो बेचने के फिराक में थे इस गाड़ियों को जी बिल्कुल